हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बचे हुए चावल से आप पोहे किस तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और जो लोग नए हैं बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बचे हुए चावल लिए हैं और मैंने मटर लिया और प्याज को भी कट कर लिया है। आप जैसा भी कट कर सकते हैं, मैं तो बट वैसे ही की हूँ छोटा छोटा। और मिर्च और तड़के के लिए हमें तेज पत्ते और दालचीनी, एक इलायची और जीरा लेना है, और थोड़ा सा हमें कढ़ाई में बस एक चम्मच घी लेना है। घी, उसके बाद हमें इसमें थोड़े से तेल ऐड करने हैं। तेल ऐड करने के बाद हम तड़के की जो सारी सामान है, तेल हमारा गर्म हो गया, उसे इसमें ऐड करके हम इसे हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद ये जो मिर्च काट के रखा था उसे भी थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी हल्का सा ही हम ब्राउन कर लेंगे, ताकि हमारे मतलब पोहे बहुत ही पोहे अच्छे बने। बचे हुए चावल के पोहे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन मानिए आप कभी चावल बच जाएगा आपका, तो आप कभी फेंकना नहीं चाहेंगे। इस तरीके से बना लेंगे। देखिए, इसमें टमाटर ऐड करेंगे और अच्छे से हम फ्राई जिसे दाल फ्राई करते हैं, सेम उसी तरीके से अच्छे से हम इसे भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम जो मटर छील के रखे हैं, मटर का सीजन है। आई होप मटर के सीज़न में आप तो जो चाहे बना सकते हैं। मटर किसी भी चीज़ में ऐड करके आप कुछ भी बना सकते हैं, हर चीज़ लाजवाब बन जाती है। और देखिए, मैंने इसी तरीके से मटर लिया और पोहे, बचे हुए चावल का पोहे बना के आपके साथ वीडियो शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, मैंने जो बचे हुए चावल लिए थे उसे भी इसमें ऐड कर दिया है, और अच्छी तरीके से हम इस तरीके से चलाते हुए इसे हम हल्का सा भुनेंगे। भुनने के बाद हम इसमें थोड़े से गरम मसाले इसमें थोड़े से ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा हमें इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है, ताकि हमारे मतलब कढ़ाई में चावल हमारा पकड़े ना। और देखिए, अब थोड़ी सी हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे और आधे चम्मच हम गरम मसाले। उसके बाद इसमें अपने स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे और इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। इसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आई होप आप एक बार वीडियो ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही लाजवाब बनता है। और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ताकि मसाले हमारे पूरे अच्छी तरीके से इसमें पक जाएं और हमारा पोहा बनके रेडी हो जाए। देखिए, हम इसको इसी तरीके से भूनते हुए हल्का हल्का चलाते हुए, ताकि हमारे पोहे कढ़ाई में बिल्कुल भी ना पकड़ें। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक इसे छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई में पकड़ने लगेंगे। पकड़ने के बाद इसका स्वाद बिल्कुल भी बदल जाएगा कढ़ाई में। हमने एक बार इसे ढक दिया था, ढकने के बाद भी अभी हमारे मसाले पूरी अच्छी तरीके से नहीं पके थे, इसलिए हमने दोबारा इसे ढक दिया है। ढकने के बाद 2 मिनट बाद आपको इसे चलाते हुए देख लेना है कि पूरा अच्छी तरीके से, देखिए, बन के रेडी हो गया है। दोबारा ढकने के बाद ये बिल्कुल अच्छा सा, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगती है। हमने इसमें धनिया वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस दाल जिस तरीके से फ्राई करते हैं उसी वही सारी चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। और देखिए, प्लेट में निकाल के मैं दिखा रही हूँ कितना अच्छा और कितना यम्मी बना है। कभी इस तरीके से अगर एक बार आप बनाएंगे तो कभी भी चावल वेस्ट मतलब फेंकना नहीं चाहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, मैं पास ला के आपको दिखा रही हूँ कि कितना मतलब कलर इसका कितना अच्छा है और कितना यम्मी बना है। चलिए दोस्तों, इतने के लिए धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।